देखो अब थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, याद आ जाएगा जो है मेन फोकस जो आपका है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, प्लासी की बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट होगा और पार्टीशन तक वो आपका मेजर फोकस एरिया रहता है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन नो डाउट कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ईयर्स जो आपको याद रखने हैं दैट इज 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला हार गया था, फाइनली रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था ब्रिटिश को। उसके बाद 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यहाँ पे मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे मराठा हार गए थे। देन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक मेजर फाइट थी बिटवीन ब्रिटिश मुगल किंग बंगाल एंड अवध। ठीक है, उसके बाद सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, ट्रीटी हुई, इलाहाबाद ट्रीटी हुई, कारा की ट्रीटी हुई, ये सब ट्रीटी में जितना पैसा देना था कंपनी को दिया गया। इसके बाद कुछ दिन तक, मतलब 65 से लेके 73 तक आपका डुअल गवर्नमेंट चली बंगाल में, मतलब जितनी जिम्मेदारियां थी वो नवाब के पास थी और जो रेवेन्यू था वो कंपनी को जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अभी आपका सिर्फ कंपनी का राज चल रहा है, गवर्नमेंट ब्रिटेन के गवर्नमेंट से उतना रिलेशन नहीं है। ठीक है, 1764 के बाद 1773 में पहली बार कंपनी ने एक्ट लाया, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की जो तीनों थी उनका हेड बनाया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। उसके बाद 1784 यहाँ पे आया आपका पीट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे क्राउन किसी को वापस बुला सकता था और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें पहले 4 मेंबर्स थे उसको रिड्यूस किया गया, उसको 3 कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना है। उसके बाद कॉर्नवालिस बैठा, कॉर्नवालिस ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं ये हमने क्लियरली देखा है, 4 रिफॉर्म्स मेजर उसके मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म और एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1798 यहाँ पे बैठेगा वेलेसली, लॉर्ड वेलेसली। ठीक है, इसने सब्सिडियरी अलायंस लाया था ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद वेलेसली के बाद आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिंटो वन बैठेगा। ठीक है, मेन जो आपका है दैट इज 1733। ठीक है, एक आपका 1713 में एक एक्ट आएगा, 1813 में एक एक्ट आएगा चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, जहाँ से इस बार बीएससी ने क्वेश्चन किया था 1813 में। उसके बाद 1833 में एक और एक्ट आया चार्टर्ड एक्ट 1833। इसमें फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपका 1848 टू 56 तक आपका बैठेगा डलहौजी, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंपॉर्टेंट है। और जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए इंडिया में मेजर कंट्रीब्यूशन है डलहौजी का। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति याद ही होगा। ठीक है, इस टाइम पे आपका गवर्नर जनरल कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858 में यहाँ पे क्वींस प्रोक्लेमेशन भी होता है ये सब। उसके बाद मेजर जो आपके गवर्नर जनरल हैं वो बैठेंगे 1876 टू 80, डेट इज लिटन। ठीक है, लिटन का नेचर आप कैसे जानते हो, 3 कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट लाए थे, आर्म्स एक्ट हो गया, सिविल सर्विस एक्ट हो गया, सिविल सर्विस की एज कम करना और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तीनों तो याद ही रखना कम से कम। उसके बाद 80 टू 84 रिपन। ठीक है, लिटन फिर रिपन, ये रिफॉर्मर है। ठीक है, बहुत लिबरल गवर्नर जनरल है, तीनों एक्ट को हाईस्ट हटा दिया है। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई है इसके टाइम पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद आपका कांग्रेस बन जाएगी 1885 में। ठीक है, इस टाइम आपका गवर्नर जनरल है डफरिन। ठीक है, इसके बाद 1898 में आपका बैठेगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लेना चाहा है और बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है बंगाल में। ठीक है, इस कारण फाइनली उसने अनाउंसमेंट किया कि बंगाल का पार्टीशन होगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मिंटो 2। ठीक है, अनाउंस इसने किया है
फाइनली मिंटो के टाइम हुआ है, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 याद रखना, उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट को क्रश कर दिया गया पूरी तरह, और साथ ही कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही थी, ठीक है, मतलब लोगों को एक करने का जो काम हो रहा था फाइनली, उसमें भी अब थोड़ा सा फूट पड़ चुकी है गरम दल और नरम दल को लेके, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चाहते हैं कि बंगाल के बाहर भी प्रदर्शन हो, धरना हो, हड़ताल हो, जो हो, लेकिन जो मॉडरेट है उनकी जो मेन विचारधारा है वो चाहते हैं कि वहीं तक सीमित रहे बंगाल तक, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमको अपना अधिकार लेना ही है इस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद 1907 में आपका होगा सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, और यहाँ पे गरम दल और नरम दल, मतलब मॉडरेट जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, और फाइनली वो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया है, ठीक है। इसके बाद जो आपका मेन एक्ट आता है दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, इसमें समझो, इसके पहले भी एक एक्ट आया है 1893 में, इंडिया काउंसिल एक्ट, उसमें इलेक्शंस आ चुके हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया की बन चुकी है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से देखो। इंडिया काउंसिल एक्ट में फर्स्ट साइज ऑफ इंपीरियल काउंसिल पार्लियामेंट एट दैट टाइम वॉज इंक्रीज टू 69 फ्रॉम 18। देखो ये जितने पॉइंट, ज़्यादा मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जितने पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उसको रटे रहना, जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो पार्लियामेंट है उस टाइम की, मतलब इंपीरियल काउंसिल अगर मैं बोलूँगा तो आज की डेट में जो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट है जो इंडिया की, वो उसकी बात हो रही है, उसको बढ़ा दिया गया 18 से 69 कर दिया गया। 18 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1893 में आया था, उसमें 18 कर दिया गया था सीट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम वन इंडियन वुड बी इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये मैं आपको बताया था, सबसे पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब चार्टर्ड एक्ट 1773 आया था तब उसमें 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है, कोई भी इंडियंस नहीं था, सब ब्रिटिश थे, ठीक है। पहली बार 1909 में, कितने समय बाद समझ रहे हो, 1773 में बन चुका है गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसके बाद फर्स्ट टाइम एक इंडियंस को एंट्री दी गई गवर्नर जनरल की काउंसिल में, एंड दैट वॉज एस पी सिन्हा, नाम बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर इंट्रोड्यूस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट के थ्रू आए, ठीक है, तो वो भी 1909। नेक्स्ट इज सेपरेट इलेक्टोरेट वुड बी गिवन टू हिंदू जमींदार, इंडियन मुस्लिम्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंबई, चारों नाम याद रखना, एक भी एक को हटा के वो ऑप्शन गलत वाला डालेगा कि इनमें से किसको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिए गए थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट मैं आपको अलग से बता चुका हूँ कि अगर कोई कम्युनिटी का पर्सन चुनाव लड़ रहा है तो उसी की कम्युनिटी के लोग उसको वोट देंगे, बाकी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज द सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट, टू इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन इंडिया काउंसिल ऑफिस लंदन एंड दैट वॉज सैयद हुसैन बिलगामी एंड के पी गुप्ता, ठीक है। इंडिया काउंसिल ऑफिस लंदन ये कब सेटअप हुआ था, लिखवाया हूँ अच्छे से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, ठीक है, वहां पे आपका इंडिया काउंसिल ऑफिस, मैं एग्जैक्टली लिखवाया उसको, यहां पे भी दो इंडियंस को एंट्री दी गई फाइनली, ठीक है, दो इंडियंस को एंट्री दी गई और दोनों के नाम आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, 1911 में दिल्ली दरबार के लिए भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है, 3 दिल्ली दरबार हुआ है, बैठ जाओ कल दिल्ली, ठीक है, 3 दिल्ली दरबार हुआ है, कब कब हुआ है बताओ, दिल्ली दरबार कब कब हुआ है, 3 हुआ है एग्जैक्टली बताया था मैं, 1877 लिटन के टाइम जब अकाल पड़ा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इसका क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया गया था, उसके बाद 1903 जब एडवर्ड आया था, एंड नेक्स्ट इज द 1911 जॉर्ज फिफ्थ, कई बार बोल चुका हूँ इसको मैं, इसी के टाइम नेशनल एंथम लिखा गया है, ठीक है। तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन को वापस ले लिया गया, मतलब ईस्ट बंगाल एंड असम को जो अलग किया गया था उसको वापस कर लिया गया, लेकिन उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया विद पटना एज देयर कॉमन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट,
वापस किया तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी अपनी कलकत्ता से दिल्ली। इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।